हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ शॉर्ट कुर्तियों की डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो आप जींस पर आराम से पहन सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कुर्ती है वो है ये लाइट ऑरेंज कलर में। ये कॉटन के फैब्रिक में है, जो कि हम अब समर्स में आराम से पहन सकते हैं। कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो गर्मियों में काफ़ी आरामदायक होता है, तो इसलिए मैं आपके साथ कॉटन की कुर्तियों के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये कुर्ती आगे से मैंने इसका थोड़ा सा राउंड नेक, डीप नेक में बनाया है, और जो पीछे का नेक है वो शॉर्ट रखा है, क्योंकि जो जीन्स पे हम कुर्तियाँ पहनते हैं तो उनके शॉर्ट नेक ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैंने इसकी हाफ स्लीव्स बनाई है। हाफ स्लीव्स में मैंने ये पट्टी जो है वो ऊपर की साइड में फोल्ड की है डिज़ाइन के लिए, और इसमें जो आगे का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा साइड में ये पट्टी बना के इसमें मैंने तीन तीन बटन्स का डिज़ाइन दिया है। इसमें कोई कट वगैरह कहीं पे भी नहीं दिया है। ये यहाँ से गोलाई में कट करके फिर इसके नीचे से फोल्डिंग की है। तो इस टाइप का सिंपल सा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है पहना हुआ जीन्स पे। आप इसकी फ़ोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकेंड जो कुर्ती है वो है गोल्डन कलर में। ये भी कॉटन के फैब्रिक में है। इसको मैंने साइड में कट देके फिर इसका ये डिज़ाइन बनाया है, और उसमें मैंने गोल्डन कलर के ये बटन्स का डिज़ाइन दिया है। इसको मैंने हाई नेक का बनाया है और इसमें ये छोटी वाली कॉलर लगाई है। इसमें यहाँ पे ये तीन हुक्स लगाए हैं। ये हुक है यहाँ पे, और यहाँ से जो है वो पूरी स्टिचिंग की हुई है। ये टॉप पूरा बंद किया हुआ है और यहाँ पे एक हल्का सा कट रखा हुआ है। इस कुर्ती को स्लीवलेस रखा है, क्योंकि इस कुर्ती का जो लुक है वो स्लीवलेस में ही काफ़ी अच्छा लगता है। और इसकी जो नीचे की फोल्डिंग है वो आगे से थोड़ी सी शॉर्ट है और पीछे से थोड़ी सी लॉन्ग है। आगे से इसको थोड़ा सा हल्का सा गुलाई में दिया हुआ है। ये कुर्ती भी पहनी हुई काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी भी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थर्ड जो कुर्ती है वो है वाइट कलर के फैब्रिक में, और वाइट कलर के फैब्रिक की कुर्ती तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वाइट कलर की कुर्ती काफ़ी अच्छी लगती है पहनी हुई। और डेनिम के साथ में वाइट कलर काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी कॉटन के फैब्रिक में है, और इसकी 3/4 स्लीव्स है। इसमें यहाँ पे ये प्लेट्स डाली हुई हैं, और यहाँ पे एक लूप बना के ये बटन्स लगाया हुआ है। ये बटन भी मैंने जो नेक पे लगाए हैं वही मैंने स्लीव्स पर लगाए हैं। नेक पे ये दो बटन्स लगाए हैं, और ये मैंने यहाँ से पट्टी वाला बनाया है इसको। इसमें मैंने कॉलर का डिज़ाइन ना दे के सिर्फ सिंपल पट्टी फोल्ड की है, और इसमें ये लेस का डिज़ाइन भी, ये जो कॉटन वाली जो लेस आती है वाइट कलर की ही, वही इसमें मैंने यूज की है। और ये जो स्लीव्स पे लूप लगाए हैं वो भी इसी लेस के ही लगाए हैं। इसमें मैंने पॉकेट का डिज़ाइन दिया है, पॉकेट नहीं है इस पे, ये सिर्फ डिज़ाइन ही दिया हुआ है। और ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो हाथ से की हुई है पिंक कलर के, क्योंकि ये बटन्स मैंने पिंक कलर के इसमें लगाए थे, तो पिंक कलर के धागे से मैंने इसमें ये एम्ब्रॉयडरी की है। और यहाँ पे ये पर्ल्स लगाए हैं छोटे वाले, इसमें ये मोती का डिज़ाइन दिया है। ये कुर्ती आगे से थोड़ी सी गोलाई में फोल्ड की है, और पीछे से थोड़ा सा इसको लॉन्ग रखा है। इस कुर्ती का लुक आप फोटो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की कुर्ती आप जींस पे अब गर्मियों में आराम से स्टिच करवा सकते हैं, और काफ़ी अलग सा लुक ले सकते हैं,
क्योंकि कई बार कुर्तियाँ जो है वो मार्केट में इतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन अगर हम कोई डिज़ाइन पसंद करके स्टिचिंग करवाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी भी लगती है पहनी हुई। अगर आपको मेरे ये डिज़ाइन पसंद आए हैं और भी अगर आपको लेटेस्ट डिज़ाइन देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।